मुआज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आज की इस वीडियो में हम आपको बिच्छू के मुतल्लिक बताएंगे कि बिच्छू किस किस्म का फसादी जानवर होता है और ये इंसानों की कब्रें क्यों खोदता है और ये इंसानों का गोश्त क्यों खाता है और बिच्छू का शरी हुक्म क्या है और ऐसा कौन सा तरीका है कि जिस पर अमल करने से हम अपने आप को बिच्छू के शर से महफूज रख सकते हैं और अगर कोई शख्स बिच्छू को अपने ख्वाब में देखे तो उसकी क्या ताबीर होगी और क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम के वालिद आज़र को बिच्छू की शक्ल में मसह करके जहन्नुम में क्यों फेंकेगा। नाज़रीन गिरामी, बिच्छू एक ऐसा फसादी जानवर है जो कि इंसान के गोश्त का बेहद शौकीन होता है, इसी वजह से यह इंसानों की कब्रें खोदता है और उनका गोश्त खा जाता है। बिच्छू जब किसी इंसान को सोता हुआ पाता है तो इसके सर के नीचे जमीन खोद कर बैठ जाता है और टैटवा दबाकर इसका खून चूसकर इसको हलाक कर देता है। बिच्छू फासिक यानी कि बदकार जानवर है, चुनाचे इसकी नौ का कोई भी जानवर जब इसके पास से गुजरता है तो ये फौरन उस पर चढ़ बैठता है और उसके साथ जुफ्ती करना शुरू कर देता है। अरब में बिच्छू फासदी होने में जरबुल मिसल है, क्योंकि जब कभी यह बकरियों में घुस जाता है तो तबाही मचा देता है। इतनी तबाही भेड़िया भी नहीं मचाता जितनी की तबाही ये बिच्छू मचाता है। अलबत्ता जब भेड़िया और बिच्छू एक साथ किसी रेवड़ में घुस जाते हैं तो बकरियां इन दोनों के शर से महफूज रहती हैं, क्योंकि ये आपस में लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को बकरी के पकड़ने से रोकते हैं, इसी वजह से बकरियां इनके शर से महफूज रहती हैं। नाज़रीन गिरामी, एक हैरत अंगेज बात यह भी है कि अगर चांदनी रात में कुत्ता किसी दीवार या छत वगैरह पर खड़ा हो और जमीन पर इसका साया पड़ रहा हो तो अगर इस साये पर बिच्छू का कदम पड़ जाए तो कुत्ता फौरन नीचे गिर जाता है और बिच्छू इसको खा जाता है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बिच्छू का शरी हुक्म यह है कि इस्लाम ने बिच्छू को हराम करार दिया है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर ज़िनाब यानी कि पंजे से शिकार करने वाला जानवर हराम है, इसी वजह से बिच्छू को भी हराम करार दिया गया है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, हुक्मा का कहना है कि जिस शख्स को बिच्छू का खौफ हो वो शख्स जंगली प्याज की जड़ अपने हाथ में ले ले। जो शख्स इस तरह करेगा बिच्छू उसके करीब भी नहीं आएगा, क्योंकि जंगली प्याज से बिच्छू भागता है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आइए हम बात करते हैं कि जो शख्स बिच्छू को अपने ख्वाब में देखे तो उसकी क्या ताबीर होगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, माहिरीन का कहना है कि बिच्छू का ख्वाब में देखना इसरार और फजूल कामों में पन्ने की अलामत है। बाज़ औक़ात नर बिच्छू को ख्वाब में देखना किसी हिजड़े पर दलालत करता है, कभी इसे जालिम और धोखाबाज दुश्मन मुराद होता है और कभी बदअसल और बदसूरत औरत मुराद होती है और कभी जादूगर औरत मुराद होती है। और बाज़ अहले इल्म का कहना है कि बिच्छू को ख्वाब में देखना धोखादही मुराद है। जो शख्स ख्वाब में बिच्छू पर सवार हो जाए ये इस चीज की अलामत है कि इसको सल्तनत मिलेगी। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आइए बात करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप आज़िर को बिच्छू की शक्ल में मसह करके जहन्नुम में क्यों फेंकेगा। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस बात को बयान करने से कबल आपको यहां पर एक नहायत ही जरूरी बात बताना बेहद जरूरी है, वो ये है कि कुरान पाक में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का जो जिक्र आया है उससे मुराद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चचा हैं, जबकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद तारिक थे जो कि मुत्तकी परहेजगार और दरवेश सिफ्त आदमी थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तारिक के बेटे हैं जबकि आज़िर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का चचा था और कुरान पाक में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप का जो जिक्र आया है उससे मुराद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चचा आज़िर हैं, ना कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद तारिक हैं, क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि एक जलीलुल कदर और अल्लाह तबारक व तआला के खलील किसी बुत परस्त के बेटे हों। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के वो बरगजीदा पैगम्बर हैं कि जिनका जिक्र कुरान पाक में 86 मरतबा आया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत बड़े नबी गुजरे हैं। दुनिया में जब बुत परस्ती का जोर हो गया, लोग बुतों को बनाते और खुद इनकी पूजा करते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद भी बुत बनाते और बुतों को खुदा समझते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अभी बच्चे ही थे, वो देखते कि मेरे वालिद
और दूसरे लोग खुद ही मिट्टी और लकड़ी से बुतों को बनाते हैं और फिर इनको खुदा समझने लगते हैं। वो हैरान हुए कि किस कदर बेवकूफ हैं ये सब लोग कि इन बेजान मूर्तियों को खुदा समझ रहे हैं। मुअज्जज़ दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन लोगों से कहते कि तुम लोग क्यों इन बुतों को पूजते हो, ये तुम्हें ना कोई नफा दे सकते हैं ना नुकसान। मगर वो जवाब देते कि जो हमारे बाप दादा करते हैं वही हम कर रहे हैं। एक रोज इन लोगों का शहर से बाहर कोई बड़ा मेला हुआ। ये सब लोग इस मेले में शरीक होने शहर से चले गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस मेले में ना गए। चुनाचे इन तमाम लोगों के जाने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुल्क के बड़े बुतखाने में गए और वहां के सब बुतों को तोड़ डाला सिवाय एक सबसे बड़े बुत के। और कुल्हाड़ी जिससे सब बुतों को तोड़ा था वो इस बड़े बुत के कंधे पर रख दी, जिससे ये मालूम होता था कि ये सब इसी ने तोड़े हैं। लोग जब वापस आए और उन्होंने बुतों की ये दुर्गत देखी कि किसी का सर नहीं है तो किसी का पैर नहीं, तो बहुत गुस्से हुए कि यह हरकत किसने की है। सब ने शुबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर किया कि वही बुतों को बुरा कहते हैं और मेले में भी नहीं गए। आखिरकार उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाकर पूछा कि ये बुत किसने तोड़े हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मुझसे पूछने की बजाय अपने खुदाओं से क्यों नहीं पूछते जिनकी तुम इबादत करते हो कि इनको किसने तोड़ा है, वो खुद बता देंगे। इन लोगों ने जवाब दिया कि आपको मालूम है कि ये बोल नहीं सकते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर तुम ऐसे बेकार खुदाओं की पूजा क्यों करते हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि देखो, कुल्हाड़ी बड़े बुत के कांधे पर रखी है, ये काम इसी का मालूम होता है, इसे पूछो। ये लोग बहुत नाराज हुए और उनके बाप आजिज से शिकायत की कि तुम्हारा बेटा ऐसी हरकत कर रहा है, इसको समझा लो वरना अच्छा ना होगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को भी समझाया और बुत परस्ती से मना किया और अर्ज किया कि ऐ बाप, मैं डरता हूं कि तुम पर खुदा का कोई अजाब नाजिल ना हो। इस पर इनके बाप बहुत सख्त नाराज हुए और कहा कि आइंदा तूने मुझसे कोई ऐसी बात कही तो मैं तुझे संसार कर दूंगा, और कहा कि तू मेरे पास से हमेशा के लिए चला जा। आपने बाप को सलाम किया और कहा कि मैं चला जाता हूं लेकिन तुम्हारे लिए मगफरत की दुआ करता रहूंगा। मुअज्जज़ दोस्तों, इस तरह से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर आप अलैहिस्सलाम के बाप यानी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चचा आज़िर ईमान ना लाए और वो शिर्क की हालत में ही फौत हो गए। मुअज्जज़ दोस्तों, आइए बात करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप यानी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चचा आज़िर को क़यामत में बिज्जू की शक्ल में मस करके जहन्नुम में क्यों फेंकेगा। नाज़रीन गिरामी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मनाक़िब अंबिया में हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से यह हदीस नकल की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अपने बाप आज़िर से मुलाकात इस हाल में होगी कि आज़िर का चेहरा गुबार आलूद होगा। आप अलैहिस्सलाम अपने वालिद से कहेंगे कि क्या मैं तुमको नहीं कहता था कि मेरे खिलाफ ना चलो और मेरा कहना मानो। आज़िर कहेंगे कि आज के दिन मैं तेरा कहना मानूंगा। इस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने रब से अर्ज करेंगे कि ऐ मेरे रब, तूने मुझसे वादा फरमाया था कि क़यामत के दिन तू मुझे रुसवा नहीं करेगा, आज से बढ़कर और क्या रुसवाई होगी कि मेरा बाप दोजख में जाए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा कि मैंने काफिरीन पर जन्नत हराम कर रखी है। फिर अल्लाह तबारक व तआला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाएगा कि इब्राहिम, देखो तुम्हारे पाँव के नीचे क्या चीज है। चुनाचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखेंगे तो मालूम होगा कि खून आलूद बिज्जू पड़ा हुआ है। फिर इसकी टांगे पकड़कर इसको दोजख में डाल दिया जाएगा। और इमाम नसाई और इमाम हाकिम रहमतुल्लाह तआला ने मुस्तदरक में हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु की यह रिवायत नकल की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन एक शख्स अपने बाप का हाथ पकड़ेगा ताकि इसको जन्नत में दाखिल कर दे। इतने में एक आवाज आएगी कि जन्नत में कोई मुशरिक दाखिल नहीं होगा क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन पर जन्नत हराम कर दी है। वो शख्स अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज करेगा, ऐ मेरे रब, ये मेरा बाप है। इस पर अल्लाह तबारक व तआला इसके मुशरिक बाप को एक बदहियत और बुरी सूरत में कि जिससे बदबू आती होगी तब्दील कर देगा। इसकी यह हालत देखकर वो जन्नती इसको छोड़कर चला जाएगा।
और एक रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्यामत के दिन एक शख्स अपने बाप से मिलेगा और पूछेगा कि अब्बा जान आपका कैसा बेटा था, यानी फरमाबरदार था या नाफरमान। बाप कहेगा कि तू मेरा बहुत अच्छा बेटा था। इस पर बेटा कहेगा कि क्या आज आप मेरा कहना मानेंगे? बाप कहेगा जरूर मानूंगा। इस पर लड़का कहेगा कि अच्छा आप मेरा इजार थाम लें। चुनाचे बाप इसका इजार थाम लेगा और लड़का इसको लेकर बारगाह खुदावंदी में पहुंचेगा। इस वक्त अल्लाह तबारक व ताला के हजूर में लोगों की पेशी हो रही होगी। अल्लाह तबारक व ताला इस लड़के से फरमाएगा कि ऐ मेरे बंदे, जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जा। वो कहेगा ऐ मेरे रब, क्या मैं अपने बाप को भी साथ ले जाऊं, क्योंकि तूने मुझसे वादा किया था कि क्यामत के दिन तू मुझे रुस्वा नहीं करेगा। रावी कहते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला इसके बाप को बिज्जू की सूरत में मसह करके दोजख में डलवा देगा। और अल्लाह तबारक व ताला फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछेगा क्या यही तेरा बाप है? तो वो अर्ज करेंगे तेरी इज्जत की कसम ये मेरा बाप नहीं है। नाज़रीन गिरामी, क्यामत के दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चचा आज़िर को बिज्जू की सूरत में मसह करने की हिकमत अल्लामा इब्न अथीर रहमतुल्लाह तआला ने यह बयान की है कि बिज्जू सबसे अहमक जानवर है। इसकी हमाकत का सबूत यह है कि जिस काम में बेदारी और एहतियात का मुजाहिरा करना चाहिए उस काम में यह गफलत से काम लेता है। इसी वजह से हजरत मौला अली रदियल्लाहु तआला ने इरशाद फरमाया था कि मैं बिज्जू की मानद नहीं हूं। चूंकि बिज्जू हल्की सी आहट सुनकर अपनी बिल से बाहर निकल आता है और शिकार हो जाता है, यानी बहुत आसानी से शिकार हो जाता है। और चूंकि आज़र ने भी ऐसे शख्स को जो दुनिया में इसका सबसे ज्यादा शफीक था, यानी दुनिया में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नसीहत को ठुकरा कर और अपने सबसे बड़े दुश्मन शैतान के शिकार हो गए, लिहाजा वो हमाकत में बिज्जू के मुशाबे हो गए। चुनाचे इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चचा को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैरवी ना करने की वजह से बिज्जू की शक्ल में मसह करके जहन्नुम में डाल देगा। मौजूद दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह